नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस उपाय को करके आपका कैसा भी शत्रु हो, आप उस पर विजय हासिल कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि आपका विरोध कर रहा है, जैसे आप कहीं नौकरी पर हैं, आपका सहकर्मचारी आपका विरोध कर रहा है, आपका बॉस आपका कहना नहीं मान रहा है और आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती आपका ट्रांसफर किए दे रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो पैसे और पावर के बल पर आपको मिटाना चाहता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी मिल्कत दबा करके बैठा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना कारण आपको हानि पहुंचा रहा है, आप उससे मुक्ति चाहते हैं। कभी कभार पति पत्नी के बीच में भी कोई तीसरा व्यक्ति जबरदस्ती ऐसा घुस जाता है जो जीवन को तहस नहस कर देता है। मतलब शत्रु किसी भी रूप में हो, आपके घर में कोई टोना टोटका किया गया है, कोई भूत पिशाच जिंद यदि आपके घर में बैठा है, तो भी ये उपाय दोस्तों बहुत ही जबरदस्त रूप से काम करेगा। ये उपाय आप बुधवार के दिन करें, शनिवार के दिन करें, रविवार के दिन करें। यदि इमरजेंसी हो, आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो, तो फिर आप किसी भी दिन इस उपाय को कर लें, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लग जाए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी तमाम वीडियो आसानी से आप तक पहुंचती रहे। जितना ज्यादा हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा काल भैरव। काल भैरव बहुत ही उग्र देव है और काल भैरव ऐसे देव हैं जो तुरंत व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। आपने देखा होगा भैरों की उपासना करने वाले बहुत सारे लोग पड़े हैं। भैरव जी की आपने यदि छोटी मोटी भी कोई साधना कर ली है तो काल भैरव आपके ऊपर तुरंत पर प्रसन्न हो जाते हैं और आपके काम शुरू हो जाते हैं। बस आप जब भी काल भैरव को प्रसन्न करते हैं, कोई भी आप व्रत अनुष्ठान करके, थोड़ी सी आपको सावधानियां जरूर रखनी है कि जो भी उनके नियम होते हैं उन नियमों का पालन आपको अवश्य ही करना चाहिए। तो काल भैरव दोस्तों साक्षात हर व्यक्ति को, आप थोड़ा सा भी उपाय करके देखना, आप कुछ, मैं आपको बताऊं, आप कोई काम ना करें, काल भैरव के नाम से रविवार रविवार काले कुत्ते को आप मीठी चीज खिलाना शुरू कर दें, आपको स्वप्न में काल भैरव अपने आप ही दर्शन देना शुरू कर देंगे। स्वप्न में आपको कुत्ते दिखाई दे, मतलब समझ जाइए काल भैरव का ही आपको कोई न कोई संकेत मिल रहा है। अब कुत्ते आपको क्या करते हुए दिखाई देते हैं, ये उस पर से विश्लेषण किया जाएगा कि स्वप्न में काल भैरव आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दारू की छोटी सी एक बोतल खरीदनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, उज्जैन में जो काल भैरव मंदिर है वहां आज भी साक्षात काल भैरव विराजमान है। वहां प्लेट में ऐसे दारू डाली जाती है और वो जो मूर्ति है काल भैरव की, आराम से उस दारू को ग्रहण करती है, उसको पीती है। मतलब इस कलयुग में काल भैरव का बहुत जबरदस्त अस्तित्व है। तो आपको क्या करना है, जो उनका प्रसाद स्वरूप दारू है उसी को लाना है। ठीक है, और जो भी व्यक्ति आपके अगेंस्ट में है, जो व्यक्ति ने आपका जीना हराम कर रखा है, उस व्यक्ति का नाम आप एक कागज के ऊपर लिखें, लाल या काली स्याही वाली पेन से आपको उसका नाम लिखना है। कागज को आप फोल्ड करें, 8 बार आप उसको फोल्ड करें, फोल्ड करके उस कागज को आप दारू की बोतल में डाल दें। जब आप उसको डालते हैं उसमें, उस समय आपको बोलना है ओम झोम झोम भैरवाय नमः। इस मंत्र को
11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना आप बोल सकते हैं उतनी बार बोल दें। बोतल को टाइटली बंद कर दें। यदि पार्टिकुलर कोई व्यक्ति विशेष है तो आपको इस तरीके से करना है। यदि आपके घर में कोई टोना टोटका किया गया है, कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई भूत प्रेत बाधा है, आपके घर में कोई बुरी चीज का कोई बुरी चीज मतलब रहने लग गई है, भेज दी गई है, तो आपको सिर्फ दारू की बोतल लेनी है और इसी मंत्र को बोलते हुए बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उबार लेना है। उबारना है आपको सिर से पैर तक सीधे सीधे, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ढंग से आपको नहीं उबारना है, सिर से पैर तक सीधे सीधे 7 बार उबारना है और पूरे घर में इसको घुमा लेना है। और इस बोतल को दोस्तों, यदि आपके घर के आसपास काल भैरव का कोई मंदिर है तो उस मंदिर में जाकर के रख करके आ जाएं, बस आपका काम हो गया। कैसा भी आपका शत्रु होगा, भूत पिशाच बाधा, काल भैरव उसे उठाकर पी जाएंगे। यदि आपके घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है तो आप दो जगह पसंद कर सकते हैं। एक तो चौराहा, जहां भी चौराहा है वहां जाकर आप इस बोतल को रख करके आ जाएं। दूसरा, कोई निर्जन स्थान जहां किसी का आना जाना ना हो, वहां आप गड्ढा करें और उसके अंदर इस बोतल को रख दें और गड्ढे को आप मिट्टी से दबा दें और बिना पीछे देखे, चाहे आप चौराहे में गए हो, निर्जन स्थान में गए हो या मंदिर में गए हो, बिना पीछे देखे आपको वापस लौट करके अपने घर में आ जाना है। बहुत जल्दी दोस्तों, जिस चीज से आप छुटकारा पाना चाहते हैं आपको छुटकारा मिल जाएगा। दुनिया आपको दोस्तों सलाम मारेगी। करके देखिए क्या अनुभव होते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। और कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का दोस्तों गलती से भी कॉन्टेक्ट ना करें। उपाय को करते रहें और खुश रहें। जय श्री कृष्ण।